अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस्तकबाल है सैयद समीरा रेसिपी चैनल पे। एक बार फिर से दो दिन से रेसिपी नहीं डाली थी, कुछ तबीयत खराब थी और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं। खुश इसलिए हूँ कि आप लोगों की वजह से, आप जो मेरे को सपोर्ट किए हैं एक दिन में, एक रात में जो कल आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वीडियो जो मैंने डाली थी फिलिस्तीन के लिए, वो वीडियो मैं अभी अपने व्लॉग में भी डालती हूँ। क्लिप पहले फिलिस्तीनियों को डालती हूँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग चालू करती हूँ, क्योंकि मुझे उनको आप उनको भूले नहीं, क्योंकि ये मीडिया वगैरह ज़्यादा शो नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनको ज़िंदा रखना है, दिखाना है लोगों तक कि भाई वहाँ के बच्चों के लिए दुआ करो। हम कुछ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, मदद नहीं कर सकते, पैसे से नहीं किसी चीज़ से, लेकिन दुआ बहुत बड़ी हथियार है जो अल्लाह से हम कर रहे हैं। और इस रमज़ान में तो अल्लाह पाक बंदों के बहुत करीब होता है और इस रमज़ान में अल्लाह बहुत सुनता है। तो इसीलिए मैं वो क्लिप इसलिए डाली थी कि सब रमज़ान में जो इफ्तार को बैठे, उठे, चले, इस साल किसी के लिए दुआ नहीं मांगे, बस फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, गाज़ा के बच्चों के लिए, वो आज़ाद हो जाए, अल्लाह पाक उनको रहम करे, या अल्लाह मेरी यही दुआ है, आमीन ज़रूर कहना गाइस। तो ये आप लोगों का बहुत सपोर्ट है मेरे लिए और इसी तरह सपोर्ट कीजिए गाज़ा के बच्चों की, वीडियो शेयर करते जाए। मुझे जो आपने सपोर्ट दिया है दिल से सलाम, आप लोगों को सलूट, जो मेरे को एक दिन के अंदर आपने, एक घंटे के अंदर मेरे 5000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करे, आप लोगों को दिल से मेरा शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर आप लोगों का बहुत ज़्यादा। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए, आज मैं आप लोगों को कुछ दे सो नहीं सकती, आप कहाँ कहाँ से मुझे देखें, मेरी वीडियोज़ देखें मुझे नहीं पता, इसलिए यहीं से आप लोगों का मुँह मीठा करें। और मेरी एक फ्रेंड जो है दशेखा सिस्टर, हैदराबाद से हैं, उनका भी चैनल है दशेखा करके, कुकिंग चैनल है उनका, तो उन्होंने मुझे खास रिक्वेस्ट करे थे जो होममेड फिरनी है वो बना के बताओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए मुँह मीठा करने के लिए और शेखा सिस्टर के लिए लाई हूँ होममेड फिरनी। तो चलते हैं रेसिपी की जानी, आ जाएँ। तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ होममेड फिरनी, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। तो मैं 1 लीटर दूध का बना रही हूँ, तो 1 लीटर दूध अमूल ये वाला, और उसके लिए चाहिए 1/2 कटोरी चावल का आटा पीसा हुआ, मतलब चावल पीसा हुआ, ये बासमती चावल है खुशबू वाला, इसको मैंने 1 कटोरी भिगा दिया था, फिर उसके बाद सुखाने का इसको ऐसा पीस लिया है दरदरा। और मीठे के लिए चाहिए 1 कटोरी शक्कर, शक्कर आप मीठा अपने हिसाब से करो, मुझे जितना लगता है मैं उतना करूँगी। तो 1 कटोरी शक्कर है, इसमें से मैं 2 चम्मच शक्कर निकालूंगी कैरेमल बनाने के लिए, ताकि हमारी फिरनी का जो है ना लुक और कलर ज़रा अच्छा है इसके लिए, वो भी मैं आप लोगों को रेसिपी में बताऊँगी। और साथ में चाहिए मिल्कमेड, मिल्कमेड ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालें नहीं तो नहीं डालें। ये आज मेरी अम्मी का दिल था तो उसके लिए मैं आज ये डाल रही हूँ आप लोगों के लिए भी और अम्मी के लिए भी मिल्कमेड, ये ऑप्शनल है, मतलब आप डाल सकते हैं और नहीं भी। साथ में मैंने लिया है खवा, 100 ग्राम खवा है, ये भी मैं डालूंगी फिरनी में, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा है। और गार्निशन के लिए मैंने लिया है काजू पिस्ते को, जो है दरदरा ऐसा मोटा मोटा पीस लिया, ताकि हम इसके ऊपर से गार्निशिंग करें। तो चलते हैं आप बनाने के तरीके पर। डाल रहे हैं दूध, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो गाइस ये सब आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए। और एक मेरी फ्रेंड है दशेखा सिस्टर, हैदराबाद से, उनका भी चैनल है दशेखा, तो वो भी कुकिंग चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोले थे होममेड फिरनी का वीडियो डालो समीना होममेड। कैसे हमने दूध चढ़ा दिया है, अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम थोड़ी शक्कर इसमें बचा लिए, क्योंकि हम इसको कैरेमल करके डालेंगे, और जो हम ये मिल्क में डालेंगे उसमें भी शक्कर रहेगी, इसलिए हमने थोड़ी शक्कर बचा ली है। अब हम डालेंगे अपना चावल का आटा, भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हम जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक मिलाते रहेंगे। चावल अच्छे से पक जाना चाहिए गाइस, इसी में दूध में अच्छा गल जाना चाहिए चावल। तो जब तक चावल नहीं गलता है और ये शक्कर दूध सब एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते, गाढ़ा नहीं होता, जब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। ध्यान रखना नहीं चावल है इसमें नीचे लगे ना, अगर चावल नीचे लग जाएगा तो फिरनी का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो गाइस यहाँ मेरी खीर क्या नाम है फिरनी गाढ़ी हो रही है, यहाँ मैंने कैरेमल करने शक्कर रख दिया है, अभी यहाँ मैंने शक्कर कैरेमल करूँगी तो इसमें डालूँगी, तो जो फिरनी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा गाइस। तभी फिरनी भी यहाँ रेडी हो रही है धीरे धीरे, अब इसको और गाढ़ी करना है, पकाना है मुझे, अभी गाढ़ी होना चालू हुई है, ठीक है।
तो हमने शक्कर कैरमल कर लिया कलर के लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध में, बिस्मिल्लाह रखना। जल्दी करने की ना पिघल जाएगा भी ना। देखना फिरनी का कलर चेंज हो गया। अब इसको हमें और पकाना है, अभी और गाढ़ा करना है ना अभी फिरनी जमने के लिए। अभी टाइम है इसको बनने। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क मेट, बिस्मिल्लाह रखना है, बस जरा सा ज़्यादा नहीं। डालेंगे खावा, अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे सब। कहीं जब इसका काम और बाकी, इसको और गाढ़ी होना है अभी। तो गाइस मेरी फिरनी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप। 1 लीटर दूध की इतनी बनी है। अभी मैं इसको कैसे जमाने का वो आप लोगों को बताती हूँ, तो आ जाए। चलो तो गाइस अभी हम इसको जमा करेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ये क्या नाम है मिट्टी का प्याले नहीं है तो आप कांच में भी इसको जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मिट्टी के प्याले। मेरे पास थे तो मैंने हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे हमारे काजू बादाम से। काजू पिस्ते को मैंने दरदरा पीस लिया है गाइस, तो इससे हम इसको गार्निश करेंगे। एक मोटा सा बीज में तो गाइस रेडी है मेरी फिरनी, होममेड फिरनी, देख सकते हैं आप लोग। होममेड फिरनी मेरी रेडी है। तो कैसे लगी इसकी रेसिपी होममेड फिरनी की, तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दिल से शुक्रिया मेरे सब्सक्राइबर 5 यानी 6 हज़ार सब्सक्राइबर करने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। आप लोगों का इसी तरह प्यार देते रहे। और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। शेखा है मैंने आपके कहने पे होममेड फिरनी की रेसिपी डाली हूँ, आप भी ज़रूर विज़िट कीजिए, देखिए मेरी होममेड फिरनी कैसी है, बताएं। ऐसे ही आप भी बनाते हैं गाइस, कमेंट्स ज़रूर करना, और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और बने रहें मेरे साथ, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ आपको नेक्स्ट डे।